मेरी वीडियो को मैं जो बोलूंगा ना वो शायद ही रिकॉर्ड होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिशान भाई के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे तो 10% आपके लिए हमारी तरफ से डिस्काउंट होगा। शुक्र है लगा जी। कैसे जा रही है लड़ाइयां? लड़ाइयां तो जी ये व्लॉग जो है मेरे रूटीन व्लॉग से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज मेरे रूटीन व्लॉग में डिफरेंट किस्म के सीन्स होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और डिफरेंट किस्म की स्टोरी होती है। लेकिन इस व्लॉग में टोटली यूनिवर्सिटी के इवेंट के बारे में बताया गया और JDKS कैंपस के बारे में बताया गया कि वहाँ का माहौल कैसा और वहाँ पर इवेंट कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम, जो उम्मीद करता हूँ कि जैसे मौसम अच्छा है वैसे आप सब भी अच्छे होंगे। बारिश हुई है और मीरपुर का मौसम जो है बहुत ठंडा हो चुका है। सही है, सही, सर्दी सर्दी सी महसूस हो रही है। और आज जाना है जी हमने यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमारा एक डिबेट कंपटीशन है, एक इवेंट है जिसमें हम करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय। हाँ जी अब्दुल्ला जी, कैसे हैं आप? ड्राइव करते हैं फोन नहीं चलाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वाले अगर ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस बंदे का आपने चलान करना है, ठीक है? ट्रैफिक पुलिस वाले अगर जानने वाले हो तो, जानने वाले हैं तो भी आपने चलान करना ईमानदारी से, सही है? डिबेट कॉम्पिटिशन बाय द फाउंडर ऑफ मस्ट लर्निंग एंड ग्रूमिंग सोसाइटी द नुमान फिदा। अच्छा आज हमारे यूनिवर्सिटी में है जी डिबेट कॉम्पिटिशन। डिबेट नहीं, मैं किसको डिबेट करने लगा? डिबेट नहीं, सॉरी, डिबेट कॉम्पिटिशन। डिबेट ये डालना नहीं बीच में प्लीज। अब तो ये भी डालूंगा, ये जो तूने कहा ये डालना नहीं, ये भी डालूंगा। वेट किया हमने इस कंपटीशन का, इसे ऑर्गेनाइज किया हमारे नुमान फिदा ने। यस, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मस्ट ग्रूमिंग एंड लर्निंग सोसाइटी। आज इतनी तैयारियां क्यों है वैसे? भाई जान डिबेट कंपटीशन है, द मोस्ट अवेटेड कंपटीशन, द मोस्ट अवेटेड कंपटीशन। और तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या बोला था कि अच्छे और प्यारे बच्चे बन गए, अच्छे और प्यारे बच्चे, डिसेंट बच्चे। तो आज सन नहीं है लेकिन फिर भी हमने सन ग्लासेस पहने। ये तो फिर डिसेंट होने की निशानी है ना। दूसरी चीज, तो दोस्त की गाड़ी में आगे उसके दूसरे दोस्त का जाता था, उसका इतना आगे था जिसकी गाड़ी होती है, सही है? तो मैं अभी आगे जिता रहा हूँ। जल्दी जल्दी से टाइम गुजरे और हम डिबेट कॉम्पिटिशन में चले जाए, बैठे वहाँ जाके वहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ 100 सीट्स। और क्या क्या लगता है क्या होगा डिबेट कॉम्पिटिशन में? डिबेट ही होगी, नहीं होगा क्या क्या होगा? फनी होगा या सीरियस होगा? फनी भाई, हमने शुगर लगाना, हमने तो हंसना है, उधर सीधी सी जो बात है, हमने जानी एक मकसद के लिए फंक्शन को तबाह करना है, हंसाना है। ये चीजें नहीं बोल सकते, हमारे नुमान पे गुस्सा आ जाएंगे। After a long time, we are here. आज अब बारिश हो रही है, जल्दी से माइक गीला हो जाएगा, फ़ोन गीला हो जाएगा। अच्छा जी, हम अपने लॉ डिपार्टमेंट में जो हैं वो पहुँच चुके हैं। कंपटीशन भी स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह 11:30 बजे। इस बंदे ने आज नाच पढ़ लिया इवेंट, आपको हम दिखाएंगे और इनकी नाच भी सुनाएंगे। कैसे कैसी जा रही है हमारी तैयारी, इवेंट की मुकम्मल है? बोलो, गाना सुनाएगा? गाना टीचर की गाना बना, देख तेरा गाना वायरल हो जाएगा भाई। इतनी जल्दी नहीं, उसके लिए भी टाइम है। टाइम ये बंदा क्लास में सो रहा था, मैं गिलगित पहुंचा हुआ, क्या करें यार, नींद आती है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और वहाँ पे पाकिस्तानियों को क्वेश्चन कर रहा था, नींद आती है। अच्छा, आपने हमें बोलने का मौका दिया और आज आप पार्टिसिपेट करें लाजमी, बेशक पूरा व्लॉग बनाएं, इवेंट को फुल कवरेज दें। जिशान भाई पहले भी बड़े कवरेज करते रहे हमारे इवेंट को, दिखाते रहे, तो ये मेरी वीडियो को मैं जो बोलूँगा ना वो शायद ही रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी बड़ी जो कॉम्पिटिशन आपने लाजमी शिरकत कर दी है, वो बकार है। और क्या हाल है? ठीक हो? अजमल मेहनत कर रहे हैं आप लोग, इधर अजमल इधर। अपने अपने बारे में बता दूँ, अपने उसके बारे में क्या, किसके बारे में? ट्रैवल वाला जो है
मेरा नाम अजमल हैदर है, गिल्ली पाकिस्तान टूरिज्म क्लब हमारी कंपनी है। अगर किसी ने टूर करना है, अगर कहीं पे भी टूर करना चाहते हैं, कस्टमाइज पब्लिक फैमिली स्कूल कॉलेज जिस तरह के भी आप टूर करना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, जहाँ चाहे आप एक ही सांस में भाई ने बोल दिया है। ठीक है, कुछ डिस्काउंट बता। जिशान भाई, अगर जिशान भाई वो तो उधर चलते हैं, जिशान भाई के थ्रू आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो 10% आपके लिए हमारी तरफ से डिस्काउंट होगा। अच्छा, 10% डिस्काउंट होगा। 10% डिस्काउंट। रेट्स क्या है, रेट्स क्या है? रेट्स 8 डेज का 34,000 है, 7 डेज का एक बंदे का। एक बंदे का। और अगर फर्ज कर लो कि बंदे ने जाना हो 7 दिन के टूर पे, उसको क्या डिस्काउंट दोगे? उसको वही ना, 10% डिस्काउंट आप कर ले, 7 दिन का तो 29,000 है। तो इसका नाम क्या आपके उसका? गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म क्लब इसका नाम है। आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो। सलाम वालेकुम। ये जी हम सारे हमारे सीनियर्स करे हुए हैं। सही है, कैसे हो जी? ठीक हो? कैसे हो जी? ठीक हो? सीनियर ही है ना आपका? आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाओ। कब आओ? यानी ये क्या कोई मछुआर भाई है? हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? आपने बुलाया ये गिलगित गिलगित के भाई है? मैंने बैग चेक किया, मैं कहा नसवार शो रहा है, कोई नहीं पई, लेकिन कुछ भी नहीं। जीत आया साला, जीत। साला जीत है, साला जीत है। किधर है साला जीत? पैसा इसमें तो ले लो, चेक करो पैसा। और बैग शुगर अलग जी। कैसे जा रही है लड़ाइयां? लड़ाइयाँ शरीफ आदमी जी, ना दलील करो। कितना मादी अभी उसके सर का इंटरव्यू करना पूरा? मादी इधर ही घूम रहा था, आज मौसम इंजॉय कर रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत प्यारा मजे का मौसम। ये हमारे भाई हमजा साहब इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। ठंड लग रही है इस वक्त, ठंड लग रही है। ये हमजा भाई की सिगरेट नीचे गिर गई है। स्टूडेंट के लिए एक ही मेरा मैसेज है कि आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहें, पहल करें ना और दूध छोड़े ना। हो चुकी है, सियासी बयान हो गया है। ठीक है, जबरदस्त बयान है। आ जाओ, इवेंट की बहुत अच्छी तैयारी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मजा आएगा इवेंट का। आप क्या करोगे? मैं कंपेनिंग कर रहा हूं, मैं कंपेनिंग कर रही है इवेंट। अभी ये भाई जो इवेंट के स्टार्ट में सबसे पहले की गई तिलावत, उसके बाद नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ेगी। और उसके बाद जो है वो डिबेट का सिलसिला शुरू हो गया। तो टॉपिक ये था कि क्या पैसा खुशी खरीद सकता है। तो एक बंदे ने आके बोलना था कि हाँ खरीद सकता है, और दूसरे बंदे या बंदी ने कहना था कि नहीं खरीद सकता। जब हम पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे, हमारा एक जुमला जब हम अपने माँ बाप को बोलेंगे अब आप आराम करें। पूछा गया, क्या तुझे बच्चे की शिक्षा बनाने के लिए? उससे पूछा गया, क्या तुझे उसकी जेब में तेरे कानों में टहकाने के लिए? तो मजबूर माँ कब कमाती भी हो उसे के बोलती है कि मुझे अपनी पैर की भूख बर्दाश्त हो सकती है, मगर बच्चे की पैर की भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती। इवेंट में सबसे बेस्ट पार्ट जो था वो मिमिक्री का था, करेक्टर्स की नकलें उतारी, इवन हमारे सर नफीस की भी नकल उतारी। उस पार्ट को मैंने काफी एंजॉय किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं करवा रहे, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में छोड़ रहा हूँ। पाकिस्तानी हो आप, मैं घबराने बैठा बेटा बोलियां निकाल लेकिन आप ये भुला नहीं कर सकता। अगर मैं ये
गुमनाम किया तो भरोसे हैशर मुझसे ये बोलियां कहती मुझे क्यों निकाला मुझे सच में समझ नहीं आ रही है सर नफीस यस सर सर की सर आपको मेरी आवाज आ रही है टाइम आ रहा है तो हम घूमने जाएंगे आपकी तरफ को आप हमें सजेस्ट कर दे कौन कौन से इलाके जो है आपके नमान फिदा बात सुनो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम चाहत फतेह अली खान इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा बहुत मजा आया बस दिमागी साथ लाइक करना भी जरूर करना कोई नहीं है क्या कोई बात नहीं यार वैसे मजा आया नहीं यार चाचू मजा आया कसम से मैं वो ये है कि हम लोगों को एक दिन पहले इसके लिए फुली प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर मैंने देखा ये है कि हमें टीचर्स भी जो है वो पूरा पूरा टाइम देते हैं स्टूडेंट्स भी देते हैं लेकिन थोड़ी सी हमारी तरफ से मिस मैनेजमेंट जो है कोशिश करेंगे कोई भी इवेंट जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक दिन पहले हम फुल्ली उसके लिए प्रिपेयर करेंगे प्रिपेयर होंगे मेरे साथ मैडम मैम आप क्या कहेंगे बहुत अच्छा लगा मुझे आपका और इस तरह के इवेंट ऐसे होने चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर मजीद ताकि मजीद जो है ना स्टूडेंट्स के अंदर एक टैलेंट डेवलप हो और आप सब ने अपने हुनर का यहाँ पे मुजाहरा किया जो कि बहुत अच्छा सबने किया है तो रियली अप्रिशिएट यू पीपल चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने स्टूडेंट्स को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वह ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढें और उनको अवेल करें और मेरे मुताबिक कोई भी इदारा उस वक्त तक बेहतर नहीं होता जब तक उसकी उसमें रहने वाले जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बेहतरी की तरफ ना जाएं या वो खुद बेहतर ना हो हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें इनकी वीडियोज़ को शेयर भी किया करें कमेंट भी किया करें थैंक यू सो मच थैंक यू ठीक है हाँ जी अच्छा रहा ये इवेंट यार अच्छा हो गया थोड़ा बहुत नेक्स्ट टाइम हाँ व्लॉग तुझे भी लेके आऊँ क्या बोलेगा क्या बोलना चाहेगा है बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा है हाँ और टीचर्स ने बड़ा साथ दिया स्टूडेंट्स ने बड़ा साथ दिया और नमान भाई ने बड़ा साथ दिया इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट इंशाल्लाह अच्छा मैंने तो साथ दिया ही पूरा व्लॉग बनाया भाई सुबह से आए हो मैंने तो साथ ही नहीं दिया आपने जो साथ दिया आपने व्लॉग बनाया पूरी कवरेज दिया इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं ऐसी
ना दिल रुक सकिया गया मैं शब्द विच रखिया ना गल मेरे बस दी रही ना गल मेरे तो अगर किसी को लगता है कि उसने मेरे साथ वीडियो बनाई थी और मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं की या अपलोड नहीं की तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोस थी और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी उस दिन फुल हो चुका था, तो हो सकता है किसी की वीडियो स्किप होगी हो, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट इवेंट में या किसी नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी इंक्लूड कर दूँगा। तो जी अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि इस तरह के इवेंट्स वगैरह जो है कैप्चर करता रहूँ और आपके लिए इस टाइप के व्लॉग्स भी लेके आता रहूँ। तो जी एज प्रॉमिस मैंने बोला था कि जुम्मा हफ्ता इतवार इन तीन दिन में व्लॉग्स अपलोड किया करूँगा, कल के व्लॉग की करनी है मैंने तैयारी, तो मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।